हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवन स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक बार फिर से यूपी एनएचएम के द्वारा स्टाफ नर्स की वैकेंसी आ चुकी हैं। जीएनएम और बीएससी वाले कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून 2021 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेती हूँ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाला लाजपत राय स्मृति मेडिकल कॉलेज मेरठ की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों की नियुक्ति संविदा पर होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, आप लोगों की ड्यूटी SNCU बाल रोग विभाग में आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए टोटल 11 पद रखे गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में आप लोग देख सकते हैं, GNM और BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और यूपी नर्सिंग काउंसिल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहां पर नवजात शिशु गहन इकाई में अनुभवी को वरीयता दी जाएगी। यानी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने न्यूनेटल केयर यूनिट में वर्क किया है तो आप लोगों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और यहाँ पर मंथ आप लोगों को 20,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों को आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को अप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स उसमें फ़िल करनी है। फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके लाला लाजपत राय स्मृति मेडिकल कॉलेज में भेज देना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र को भेजना है। और फ्रेंड्स, यहां पर लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं, 22 जून 2021 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं 22 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग टेबल देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज और यहाँ पर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम आप लोग स्टाफ नर्स देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष रखी गई है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी एज 31 मार्च 2021 से कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को आप लोगों को अप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देना है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखेंगे नियम एवं शर्तें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा यहाँ पर वित्त पोषित परियोजना SNCU के अंतर्गत यहाँ पर ये वैकेंसी अस्थायी तौर पे रखी गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों की ड्यूटी का टाइम पीरियड दिया गया है। आप लोगों को यहाँ पर 31 मार्च 2022 तक यहाँ पर जॉब करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः अनुबंधन किए जाएंगे। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की यहाँ पर एज 31 मार्च 2021 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अभ्यर्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में फ्रेंड्स कहा गया है कि वरीयता सूची शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार कर एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में आप लोग देख सकते हैं, अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर यहाँ पर आप लोगों का रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी मेडिकल कॉलेज मेरठ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। पॉइंट नंबर 6 में फ्रेंड्स कहा गया है कि आप लोगों को अप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट को A4 साइज पेपर पर ही लेना है। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पर
आवेदन करने की लास्ट डेट दी गई है 22 जून 2021 5 बजे तक आप लोग स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 10 में आप लोग देख सकते हैं, अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।